हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं यम्मी टेस्टी भोग प्रसाद के लिए ड्राई फ्रूट की खीर, जो कि बहुत 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 यम्मी लगेगी, बहुत टेस्टी लगेगी। आप चाहें तो नॉर्मली व्रत में भी बनाकर खा सकते हैं और वैसे भी प्रसाद में भी आप दे सकते हैं चढ़ाने के भोग लगाने के लिए। तो ये ले लिया हमने एक कटोरी या एक बाउल ड्राई फ्रूट, जो कि हमने कट करके ले रखा, उसमें सारे तरीके के ड्राई फ्रूट्स हैं। और एक कटोरी ले लिया हमने ग्रेट किया हुआ नारियल, या फिर आप मिक्सी में डालकर फाइन ग्रेट कर लें। तो ये देखिए, 1 लीटर लिया है हमने दूध, फुल फैट मिल्क है, ये हमारा बॉयल्ड मिल्क था, तो इसको अब हम बॉयल कर लेंगे फिर से। और इतना बॉयल करके गाढ़ा करेंगे कि ये गाढ़ा होते होते हाफ रह जाए, यानी 1 केजी का हाफ केजी रह जाए। तो देखिए बॉयल आने लगा है आसपास, आप देख सकते हैं। तो इसको दूसरी फ्लेम पर रखते हैं और बनाते हैं अपनी खीर। तो ये देखिए, हमने पैन रख लिया है एक, तो इसमें हम डालेंगे 1/2 टेबल स्पून घी, क्योंकि हमें घी ज़्यादा नहीं चाहिए, बस घी इतना चाहिए कि इसमें स्मेल आने लगे घी की, बहुत टेस्टी। तो इसमें जो कटे हुए ड्राई फ्रूट रखे थे वो हम ऐड करेंगे। इसमें काजू किशमिश बादाम और सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, जो भी आप ड्राई फ्रूट लेना चाहें वो सारे ड्राई फ्रूट हैं इसमें। इनको भून लेंगे जिससे कि इसमें लच्छी आने लगे। और 1 मिनट देखिए भून गया है, तो कलर भी आप देख सकते हैं चेंज हो गया है। तो अब इसमें हम जो कटा हुआ घिसा हुआ नारियल है वो भी हम डालकर भून देंगे, जिससे कि उसमें से भी खुशबू अच्छी आने लगे। तो ये देख सकते हैं इस तरह से इसको भी भून लेंगे 1 सेकंड के लिए, बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे वरना ये जल जाएगा। तो ये देख सकते हैं इस तरह से भून लेंगे 1 सेकंड के लिए। तो ये लगभग भून गया है हमारा, तो ये देख सकते हैं इसको हम भून लेंगे अच्छे से। ये देखिए हमारा भून गया है, तो इसको हम अलग हटा करके रख देंगे। और दूध देख लेते हैं, बीच बीच में हमको दूध भी चलाते रहना है, और इसे हम हटा लेंगे अब। ये बच्चों के लिए बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी होता है, जो कि बच्चों को बहुत पसंद आता है। अब देखिए दूध हम देख लेंगे, दूध भी रख दिया है, तो दूध हाफ हो चुका है। तो ये देखिए ड्राई फ्रूट इसमें निकाल कर रख लेंगे, ताकि ये हमारे जले नहीं, क्योंकि हैवी बॉटम का पैन होता है तो वो जलने का डर जल्दी रहता है। ये देखिए दूध भी हमारा हाफ हो गया है, क्योंकि ऊपर से परत लगने लगी है। तो इसको हम अब इसमें अपने ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे, तो आप देख सकते हैं इसे हम ऐड कर देंगे और इसे कुछ देर के लिए पका लेंगे। तो ये देखिए ड्राई फ्रूट हमने ऐड कर दिया है, कुछ ड्राई फ्रूट हम बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए, जैसे कि थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में, लुक अच्छा आएगा। तो ये देखिए इस तरह से हमने ड्राई फ्रूट को कुक कर लिया है। अब हम 5 मिनट के लिए और रखेंगे। ये देखिए अच्छे से कुक होने लगा, तो इसको हम गाढ़ा होने तक पकाएंगे और फिर सर्व करेंगे। तो 2 मिनट कुक करेंगे, लगभग लगभग 5 से 6 मिनट लगेगा कुक होने में। और ये बच्चों को भी बहुत 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 पसंद आने वाली है हमारी ये रेसिपी। तो ये देखिए अच्छे से ठीक हो चुका है। अब इसको क्या करेंगे, हम रखेंगे ठंडा होने के लिए, क्योंकि ठंडा होने पर भी ये काफ़ी अच्छा ठीक होगा। ठीक है, तो इसी तरह से चलाते चलाते आप जितना ठीक करना चाहें उतना ठीक कर लें, और जितना आप गाढ़ा करना चाहें उतना कर लें। देखिए फ्लेम को हमने बंद कर दिया, तो अब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि भोग प्रसाद ठंडा करके ही चढ़ाया जाता है। तो ये देखिए गाइस, कितना अच्छा और कितना यम्मी कलर आया हुआ है, कितना टेस्टी लग रहा है देखने में। और ये देखिए सर्व कर रहे हैं, तो ये देखिए कितना थिक, एकदम रबड़ी की तरह खीर बनकर तैयार हुई है, जो कि खाने में बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी है। इसमें इलायची पाउडर मिला दिया है हमने, और अब इसे हमने सर्व कर दिया। तो देखिए ऊपर से गार्निशिंग भी कर दी। अगर हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और अपने प्यार प्यारे कमेंट्स हमें ज़रूर भेजें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय।